स्टूडेंट्स आई एम पुष्पा फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाघा पुराना वीडियो इन दिस वीडियो वी रीड चैप्टर ऑफ इंग्लिश रीडर एंड अवर सेकेंड चैप्टर नेम इज़ मैजिक ब्लैक सो लेट्स स्टार्ट इट अ बॉय इज वॉकिंग थ्रू अ लिटल फॉरेस्ट विच इज फुल ऑफ ड्राई लीव्स तो एक लड़का जो था वो कहाँ से जा रहा था एक छोटे से जंगल में जो जहाँ पे क्या था विच इज़ फुल ऑफ़ ड्राई ट्रीज़ जो कि ड्राई होता है सूखना सूखे हुए पेड़ों से भरा हुआ था देयर ही फाइंड्स अ बिग ब्लैक बोर्ड हैंगिंग नियर एन ओल्ड ट्री हैंग होता है लटकना तो वहाँ उसने क्या देखा एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड देखा जो कि एक पुराने ट्री के साथ लटका हुआ था नेक्स्ट टू इट इज़ अ बॉक्स ऑफ चौक पीसीस तो इसके साथ ही क्या था अ बॉक्स ऑफ चौक पीसीस छोटे छोटे टुकड़े किसके थे चौक के उससे भरा हुआ एक डिब्बा था द बॉय टेक्स अ पीस ऑफ चॉक एंड स्टार्ट टू ड्रॉ ऑन द बोर्ड तो बॉय ने क्या किया जिस उस लड़की ने टेक्स होता है लेना एक चौक का टुकड़ा लिया और बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया सो फर्स्ट ही ड्रॉज अ ट्री तो पहले उसने एक ट्री ड्रॉ किया देन अ रेबिट उसके बाद एक रेबिट रेबिट होता है खरगोश ड्रॉ किया एंड अ एंड देन अ फ्लार और उसके बाद एक फूल ड्रॉ किया मैजिकली वैन ही फिनिशेज एंड ड्राॅइंग थिंग इट इज़ जम्प्ड आउट ऑफ द बोर्ड एंड वेरी सून द प्लेस विकम अ ग्रीन फॉरेस्ट फुल ऑफ एनिमल्स प्लेइंगप्पी तो मेजिकली होता है जादू 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 से तो वैन एवर ही तो जादू से मतलब कुछ एक ऐसे घटित होता कि जब भी वो कोई चीज़ ड्रॉ करता तो इट जम्प्स आउट ऑफ द बोर्ड तो ये वो जो चीज़ ड्रॉ करता वो ब्लैक बोर्ड से उस बोर्ड से बाहर आ जाती वेरी सून द प्लेस बिकम अ ग्रीन फॉरेस्ट और बहुत जल्दी क्या हुआ जिस जगह पे वो ड्रॉ कर रहा था वहाँ वो जगह क्या बन गई एक ग्रीन हरा भरा जंगल बन गया एंड फुल ऑफ एनिमल्स प्लेइंग हैप्पीली जहाँ जानवर जो थे वो बड़ी खुशी के साथ क्या कर रहे थे प्ले होता है खेल रहे थे सो वेरी हैप्पी द बॉय ऑल्सो ड्रॉ दिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर एंजॉइंग अ पिकनिक विद देयर सैंडविचेज एंड चिप्स वेरी हैप्पी तो उसने खुशी खुशी से क्या किया वहाँ पर अपने मम्मी पापा अपने ब्रदर सिस्टर अपने भाई बहन ड्रॉ कर दिए जो कि क्या कर रहे थे एन्जॉय आता है मज़ा लेना ठीक है पिकनिक का मजा ले रहे थे और उनके पास क्या था सैंडविच और चिप्स थे सो ही ऑल्सो ड्रॉ पेपर प्लेट्स एंड एम्पीटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेफ्ट ऑन द ग्राउंड सो so, उसने क्या किया जो पेपर से बनी प्लेट्स होती हैं और टीन्स होता है जो बॉटल्स वगैरह पड़ी होती हैं किसकी सॉफ्ट ड्रिंक की जैसे कोको कोला -को गया पेप्सी या कोई और ड्रिंक्स ठीक है तो वो क्या किया उसको भी ड्रॉ किया एंड इट लेफ्ट ऑन द ग्राउंड और जो खाली पड़े मतलब कूड़े का जो ढेर था उसको वहीं पे छोड़ दिया किसको पेपर प्लेट्स को और एम्पटी जो टीन जो खाली बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई थी ठीक है सो ही डज दिस विकाउज दिस वट ऑलवेज हैपन्स ऑन द पिकनिक तो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अक्सर जो पिकनिक होते हैं पिकनिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं वट वैन दीज वीट्स ऑफ लिटर कम्स टू लाइफ पर बाद में जब वो जो कूड़ा होता है ठीक है वो जब हमारी लाइफ में आ जाता है तो सम थिंग अवेफुल हैपन्स तो कुछ ऐसे घटना घटित होती है अराउंड एवरी पेपर प्लेट्स एंड एवरी एम्पटीटिज जो किसके चारों ओर होती है जहाँ पे वो कूड़ा पड़ा होता है क्या पेपर प्लेट्स और जो खाली टीन्स पड़ी होती हैं जो बॉटल्स वगैरह पड़ी होती है खाली तो उसकी वजह से क्या हो जाता है उस कूड़े की वजह से द फॉरेस्ट टर्न्स ग्रे जो फॉरेस्ट हैं वो क्या कर जाए ग्रे कलर के हो जाते हैं अर्थात तो वो सूखने लग जाते हैं ठीक है एंड दिस ग्रेनेस स्टार्ट स्प्रेडिंग एवरीवेयर टू द ग्रास टू द फ्लावर्स एंड टू द एनिमल्स तो जो ग्रेनेस आ जाती है कहाँ पे फॉरेस्ट में या उस जगह पे तो ये क्या करती है चारों ओर एवरीवेयर होता है चारों ओर हर जगह पे स्प्रेड होता है फैलना शुरू हो जाती है जैसे घास के ऊपर फ्लावर्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर ठीक है द वॉय रियलाइज दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ लिटर दैट द फॉरेस्ट हैज़ बिकम ग्रे तो वो लड़का जो रिलाइज था रिलाइज होता है उसको महसूस होता था कि ये इसलिए होता है क्योंकि द लिटर दैट द फॉरेस्ट विकम ग्रे जो कूड़ा करकट वहाँ पे फैला हुआ होता है जंगल में तो उसकी वजह से क्या हो जाता है जो जंगल हैं वो कैसे हो जाते हैं इट विकम्स ग्रे ग्रे कलर के हो जाते हैं सूखने लग जाते हैं सो ही रन्स थ्रो द फॉरेस्ट विद द ब्लैक बोर्ड इरेजर इन हिज हैंड टू इरेज इट सो वह इस सो होता है इसलिए वह दौड़ा कहाँ उस जंगल की ओर जो उसने ड्रॉ किया था विद द ब्लैक बोर्ड इरेजर किस उसके उसने क्यार किया ब्लैक बोर्ड इरेजर अपने हाथ में पकड़ा और उस साइड दौड़ा कि क्यों दौड़ा टू इरेज इट इसको इरेज़ करने के लिए इसको मिटाने के लिए ठीक है सो ही इज़ क्विक एंड डज़ नॉट लीव अ सिंगल पीस ऑफ लीटर तो उसने क्या किया जल्दी जल्दी क्विक होता है फास्ट उसने जल्दी की क्या किया उसने जल्दी डज़ नॉट लीव उसने वहाँ पे एक सिंगल पीस भी कूड़े का नहीं छोड़ा द फॉरेस्ट बिकम्स ग्रीन अगेन तो क्या हुआ जब उसने उसको इरेज कर दिया कुछ नहीं छोड़ा सारा वहाँ से कूड़ा करकट हटा लिया तो जो जंगल था वो एक बार से दोबारा हरा हो गया द एनिमल्स ऑल्सो लुक हैप्पी तो अब जो जानवर थे वहाँ पे वो क्या लगे खुश रहने लगे द बॉय एंड द एनिमल्स प्ले टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे तो वो लड़का और जो वहाँ पे जो और जानवर थे वो सारा दिन क्या करते रहे खुशी खुशी से एक दूसरे के साथ खेलते रहे द बॉय नेवर सीज़ दैट ब्लैक बोर्ड अगेन तो उस लड़के ने वो ब्लैक बोर्ड वहाँ पर दोबारा कभी नहीं देखा वट नाउ एवरी टाइम ही गोज़ और अ पिकनिक विद हिज़ फैमिली पर वो लड़का क्या करता था अब वहाँ पे हर टाइम एवरी टाइम होता है हर टाइम जाता था कहाँ पे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे उस प्लेस पे ठीक है सो ही रिमेंबर्स वट हैपन देयर एंड इट इज़ रेस्ट ऑफ पिकअप एनी लीटर तो वह हमेशा इस बात को याद रखता था कि जो पहले घटित हो गया वो दोबारा घटित ना हो इसलिए वो क्या करता था जो भी कूड़ा करकट वहाँ पे गिरा होता था उसको वो उठा लेता था ही इज़ ऑल्सो सेयर टू रिमाइंड अदर्स दैट एवरी थिंग दे हैव लाइंग इन द फॉरेस्ट इज़ वेरी बैड फॉर द फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स अब उसको ये पक्का विश्वास हो गया था एंड टू रिमाइंड अदर्स और वो दूसरों को भी याद दिलाता था कि एनी थिंक दे हैव लाइंग इन द फॉरेस्ट कि जो दूसरे लोग भी वहाँ पे पिकनिक पे आते थे उनको भी वो ये याद दिलाता था कि जो भी कूड़ा करकट वो जंगल में छोड़ते हैं उसको वो वहाँ से हटा लें बिकॉज इट इज़ वेरी वेड फॉर द फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स क्योंकि ये जंगल और एनिमल्स के लिए बहुत बुरा है नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क रिवाइज़ करेंगे सो थैंक्स एंड टेक